बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आईटी हब के नाम से मशहूर साउथ इंडिया का एक प्रमुख शहर है, लेकिन बाकी सिटी की तरह इस सिटी में भी कुछ सीक्रेट्स है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेंगलोर की कुछ 5 डरावनी प्लेसेस। नेशनल हाईवे 4 NH4 ये मुंबई बेंगलोर चेन्नई हाईवे है। लोग कहते हैं कि उन्हें एक सुंदर लड़की सफेद कपड़े पहने दिखती है। वो वहां से जाने वाले लोगों को लिफ्ट मांगती है। अगर वह आदमी पीछे मुड़कर देखे तो वो वहां से गायब हो जाती है। डर तो तब शुरू होता है जब वो फिर से दिखती है और जोर जोर से हंसती है। लोग ये देखकर बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं और फिर उनका वहां एक्सीडेंट हो जाता है। कॉल सेंटर ऑन MG रोड। अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते हो तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। ये कहानी एक लड़की की है जो MG रोड के कॉल सेंटर में काम करती थी। एक दिन वो नाइट शिफ्ट करके घर जा रही थी, तभी एक गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का ड्राइवर ड्रंक था और उसने उस लड़की को वही मरने के लिए छोड़ दिया। वहां काम करने वाले लोगों को हर साल उसी रात किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक रिसेंट प्लेस है जो बेंगलोर की हॉन्टेड प्लेसेस में शामिल की गई है। पायलट्स को रनवे पे एक औरत चलती हुई दिखती है। अब अगर कोई उसकी हेल्प करने वहां जाता है तो वो वहां से गायब हो जाती है। इंफ्रारेड कैमरा यूज करके उस औरत को कैप्चर भी किया गया है। टेरावेरा ये एक अबेंडेंट हाउस है। इस हाउस में 2 बहनें रहती थी, डॉल्जे और वेरा। 2002 में इसी घर में वेरा का किसी ने मर्डर कर दिया। मर्डरर के बारे में पुलिस को कुछ भी पता नहीं चला। उसकी लाश को उसी घर में दफनाया गया था। उसके बाद डॉल्जे ने सेफ्टी के लिए वो घर छोड़ दिया। तब से ये हाउस सैटेनिक साइन के लिए फेमस हो गया है, जैसे कि इन्वर्टेड क्रॉसेस, चिल्लाने की आवाज आना, घर के पास का टेम्परेचर बहुत कम होना। कल्पल्ली सिमेट्री कब्रिस्तान। हालांकि पहले से ये डरावने होते हैं, लेकिन मद्रास रोड के पास स्थित ये कब्रिस्तान बाकियों से ज्यादा डरावना है। यहाँ से जाने वाले लोगों को एक डरावना आदमी ग्रेव के पास दिखता है। यहाँ पे रहने वाले लोगों के मुताबिक रात में कब्र में रहने वाले लोग कब्र से उठ जाते हैं। लोगों का मानना है कि उन्हें अपने चारों ओर किसी भयानक चीज को महसूस किया है।